यह फोटो केल्विन कार्टर नाम के फोटोग्राफर द्वारा ली गई थी, जिसके लिए उन्हें 1994 में पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पुलित्जर अवार्ड मिला था। दरअसल सूडान में खींची गई यह तस्वीर उस समय की है जब वहां अकाल चल रहा था और केविन कार्टर उस समय साउथ सूडान के अयोध्या में अकाल पीड़ितों की तस्वीरें खींच रहे थे और ऐसे ही खुली झाड़ियों में भटक गए। फिर उन्होंने एक आवाज़ सुनी। यह आवाज़ थी एक मासूम सी बच्ची की जो घुटनों के बल चलकर अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी। और जब यह फोटो अखबार में छपी तो एक रिपोर्टर ने केविन कार्टर से पूछा कि वहाँ कितने गिद्ध थे, तो उन्होंने कहा एक। और इस पर रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, वहाँ पर दो गिद्ध थे जिसमें से एक तस्वीर में है और एक के हाथ में कैमरा था। और उनके बारे में कहा जाता है कि बच्चे को न बचाने की ग्लानि में इस महान फोटोग्राफर ने आत्महत्या कर ली।